इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक सही टाइम फ्रेम। अगर आप एक सही टाइम फ्रेम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप एक सही टाइम फ्रेम का यूज़ करके ट्रेडिंग करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है और आपको किस टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग दो टाइप से लोग करते हैं, एक स्कैल्पिंग करते हैं, उसे हम माइक्रो इंट्राडे भी बोल सकते हैं, और एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो 10-15-20 मिनट में ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक अलग टाइम फ्रेम होता है। तो सबसे पहले मैं स्कैल्पिंग वाले के लिए बता देता हूँ, जो स्कैल्पिंग करते हैं मतलब कि 15-20 मिनट के अंदर ही ट्रेडिंग करके पैसा कमा के निकल जाना है, तो उनके लिए 1 मिनट से लेकर 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें कम टाइम फ्रेम में मोमेंटम को कैप्चर करके निकलना होता है। तो मैं आपको पहले चार्ट पर दिखा देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यह है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, जो आज का चार्ट है। आप यहाँ से देख सकते हो ये क्लियरली ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टचेस है, 1, 2, 3, 4। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा सीधी है। तो आप यहाँ से भी इसको बना सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो मैंने ट्रेंड लाइन पे पूरा वीडियो अच्छे से बना दिया, अगर नहीं देखा जरूर देखिए, बहुत पावर होती है ट्रेंड लाइन में। काफ़ी लोग सोचते हैं ट्रेंड लाइन बकवास होता है, पर बहुत ज़्यादा पावर। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री करी होते हैं, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पर 280 पॉइंट मिल रहा है, मतलब आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हो। तो मैं यहाँ स्कैल्पिंग वाले के लिए बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग वाले ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके भी बना सकते हैं 5 मिनट के लिए, और इससे 1 मिनट पर भी कर सकते हो। बेसिकली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना है जो स्कैल्पिंग वाले हैं, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एंट्री करनी थी। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रेड हुआ, तो उसके बाद आपको थोड़ा कंफर्मेशन लेना है, यहाँ से ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखनी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था हमारा, जो ये लगातार यहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, और निफ्टी ने काफ़ी बार यहाँ सपोर्ट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 बार सपोर्ट यहाँ पे लिया। और जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर, आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी, पहली रेड कैंडल आई फिर दूसरी रेड कैंडल आई। बेसिकली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा हूँ, जिससे 5-6 हज़ार लोगों ने देख चुका है वीडियो, का भी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जरूर इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पर, और अगली कैंडल रेड बनी, तो आपको यहाँ से 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं। तो बेसिकली मैं स्कैल्पर के लिए बता रहा था। अब मैं आ जाता हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली आपको किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए और कब से करना चाहिए, अगर आप एक सेफ प्लेयर हो, सही से खेलना चाहते हो, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 से लेकर 9:30 तक बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि मार्केट की मोमेंटम बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, मार्केट 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम के स्लॉट में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। 3 बजे से 3:30 बजे के बीच भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, बहुत सारे ब्रोकर करने भी नहीं देते, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और बाकी बीच में आप कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और 15 मिनट टाइम भी यूज कर सकते हो। पहले मैं 1 आवर का बताता हूँ कि 1 आवर क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 आवर का टाइम फ्रेम इसलिए यूज करना चाहिए, आपको एक मेजर आइडिया लग जाए कि मार्केट कहाँ है, कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंड है, और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम निफ्टी के चार्ट पर हूँ, तो आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको एक मेजर सपोर्ट दिख गया। तो अगर ये सपोर्ट बार बार टेस्टेड हो रहा है, मतलब ये सपोर्ट बार बार कमज़ोर हो रहा है, और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पुल बैक आया, फिर रेड कैंडल वाली, तो मतलब आपको यहाँ पर एंट्री करना था। इंट्राडे वाले ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर नहीं एंट्री करना है, आपको 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करना है, पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बनाना है। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप जो ट्रेडिंग करने वाले हो आधा 1-2 घंटे तक के लिए करने वाले हो, आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी, 5-10-15 मिनट में निकल जाना है। आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा और रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर आपको रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे ही यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिलते हैं। इसके लिए आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। बेसिकली मैं ट्रेंड लाइन के लिए भी बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, यहाँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा था, यहाँ पर एक आपको देखिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करनी है। 1 आवर के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मत ड्रॉ करिएगा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये ब्रेक होगा, फिर ऊपर जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम टच हो चुका रहता है, जब वो ब्रेक होता है, पुल बैक आता है, तब आप
वहाँ से एंट्री ले सकते हो। इसमें भी ऐसे कर सकते हो, पर क्या मतलब है, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है। यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मैं भी, अगर आप थोड़ा सेफ नहीं खेलना है ब्रेक हुई, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आपको सेफ खेलना है तो आपको पुल बैक का इंतजार करना होगा। जैसे यहाँ पुल बैक आया तो आप अगले दिन यहाँ पे एंट्री करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होगा। तो बेसिकली मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट या 1 आवर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न भी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। क्योंकि अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न एनालिसिस करोगे तो उसका ब्रेकआउट जब आएगा तब आप वहाँ पे इंट्राडे डे में नहीं कमा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए हो जाएगा। पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो टेस्टर रहते हैं, जब वो ब्रेक करते हैं तो आप इंट्राडे में भी कमा सकते हो। अकाउंट नहीं खोला तो मेरे लिंक के थ्रू एंजल लोन पे अकाउंट खोलिए, 100 रुपये मैं आपको तुरंत अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। नीचे जो ईमेल दिया है उसे भी स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर।